हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योगिक एंड मॉडर्न साइंस। फ्रेंड्स, इसके पहले एपिसोड में हमने गीता के नवे अध्याय के कुछ श्लोक लिए थे और एक और श्लोक मैं लेने जा रहा हूँ इसी अध्याय का, नवे अध्याय का। और इस श्लोक को हम पहले पढ़ेंगे, मैं पढ़ूंगा उस श्लोक को और फिर उसको योगिक साइंस के माध्यम से समझने की, उस पर चिंतन करने की कोशिश करेंगे ताकि उस श्लोक का जो सार है, जो उसका उसके अंतर्निहित जो मूल सिद्धांत है योगिक साइंस के हिसाब से, वो प्रकट हो और उसके माध्यम से हम उसके सार तत्व को समझ सकें। तो हम एक श्लोक लेते हैं गीता के नवे अध्याय का। ये श्लोक नंबर 19 है। श्लोक है, श्लोक का हिंदी अनुवाद, हे अर्जुन, भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, संसार के हित के लिए मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, मैं ही जल को ग्रहण करता हूँ और फिर उस जल को मैं ही वर्षा रूप से बरसा देता हूँ। और तो क्या कहूँ, अमृत और मृत्यु तथा सत और असत भी मैं ही हूँ। एक बार मैं फिर पढ़ता हूँ, हे अर्जुन, संसार के हित के लिए मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, मैं ही जल को ग्रहण करता हूँ और फिर उस जल को मैं ही वर्षा रूप से बरसा देता हूँ। और तो क्या कहूँ, अमृत और मृत्यु तथा सत और असत भी मैं ही हूँ। फ्रेंड्स, यदि इस श्लोक को हम योगिक साइंस के माध्यम से समझने की कोशिश करें कि तो इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि प्रकृति में जो कुछ भी हो रहा है, जो भी क्रियाकलाप चल रही है, सृष्टि में कुछ भी हो रहा है, उसका कारण, उसका आदि कारण मैं ही हूं। मैं हूं तो चीजें हो रही हैं, चाहे वो सूर्य का उगना हो, सूर्य का तपना हो, फिर सूर्य के द्वारा जल को सुखाना हो और फिर वर्षा करना हो, वर्षा से अन्न का उपजना हो, फिर भोजन का ग्रहण करना हो, जितने भी क्रियाकलाप हैं, उसमें भगवान कह रहे हैं कि मैं ही कारण हूँ, मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, फिर मैं ही जल को सोखता हूँ और फिर मैं ही वर्षा करवा देता हूँ। यदि इस सूत्र को हम योगी साइंस के माध्यम से देखने की कोशिश करें तो पहले बहुत सारे एपिसोड्स हैं जिनमें हमने एक बात कही थी और मूल बात ये थी उसमें कि सृष्टि के लिए किसी भी चीज, किसी भी क्रियाकलाप के लिए प्रकृति में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे किसी का जन्म हो, ठहराव हो, फिर उसकी मृत्यु हो, जन्म हो, कुछ भी हो, व्यक्ति ही नहीं, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे ग्रह नक्षत्र हो, पूरी प्रकृति में कुछ भी हो रहा हो, तो उसके लिए तीन चीजें जरूरी हैं। एक तो पूरी प्रकृति तो है ही, इस प्रकृति की अध्यक्षता करने वाला जो चेतन शक्ति है, दो ये हो गए, और प्रकृति के अंदर जो जीवात्माएं हैं, और जीवात्माएं कुछ नहीं, जो एक परमात्मा है, जो चतुर्भुजाकार एक है, वही स्मृति के रूप में प्रकृति के अंदर हर अंडे में मौजूद है और जो केंद्रित हुआ है, जो जीवात्मा केंद्रित हो गई है, और वो उस जीवात्मा का होना जरूरी है, केंद्रित जीवात्मा का। तो केंद्रित जीवात्मा पूरी प्रकृति के अंदर, और फिर प्रकृति के अंदर क्या है, साकार है और निराकार है, तो इन तीनों के संयोग से सारी क्रियाएं हो रही है। तो वही भगवान कह रहे हैं कि मैं ही सूर्य रूप से तपता हूं, मैं ही केंद्रित होकर प्रकृति में, मैं ही केंद्रित होकर सूर्य रूप से तपता हूं, मैं ही जल को ग्रहण करता हूं, फिर उस जल के द्वारा मैं ही वर्षा करवाता हूं और उसके बाद और भी सारी क्रियाएं, जो भी प्रपंच है होता है प्रकृति के अंदर, वो सब मैं ही करता हूं। तो योगी साइंस के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि प्रकृति के अंदर जो केंद्रित जीवात्माएं हैं,
और फिर साकार और निराकार, इन तीनों की मौजूदगी में सारी सृष्टि, जितने भी कार्यकलाप है, सब कुछ हो रहा है। फिर भगवान इस सूत्र में अंत में ये भी कहते हैं कि जो भी सत असत है, जो भी जन्म है और मृत्यु है, वो सब मैं ही कर रहा हूं। तो योग साइंस के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि इन तीनों चीजों की उपस्थिति बहुत अनिवार्य है किसी भी कार्य के लिए, किसी भी चीज के संपादन हेतु। अब हम शर्मा जी से ये समझेंगे कि इस सूत्र को योगी साइंस के माध्यम से और भी गहराई से इसको इस पे प्रकाश डालें और इसमें जो भी सार सिद्धांत है उसको प्रकट करने की कृपा करें। शर्मा जी। जी शर्मा जी, ये मान लीजिए अगर आवाज आ रही है, आवाज आ जी रही है। जी 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 शर्मा जी, हाँ आवाज आ रही है आपकी। अगर इसमें द्वैत की बात करें, जी ये सही चल रहा है, ये जी बड़ा जी कट कट करना पड़ेगा बीच में। हाँ कोई बात नहीं, आप हाँ, बोलिए तो जी। इसमें योगिक साइंस के माध्यम से अगर हम इस पे ध्यान से देखें इस श्लोक को, तो श्री कृष्ण भगवान द्वैत की बात कर रहे हैं कि अगर कोई भी काम जब भी हो सकता है, जब द्वैत हो, दो जहां होंगे तो काम और क्रिया, और काम जब ही हो सकता है या हित या अनहित, जब हम अनुभव में लाते हैं, जब हम उसके तुलनात्मक दो में जाते हैं, तो जो द्वैत प्रकृति है, प्रकृति द्वैत है, क्योंकि जी इसको जीव अकेला नहीं है, उसके सामने अनेक जीव हैं, तो द्वैत प्रकृति है, और परमात्मा इसमें एक है, जो इसकी पावर है वो एक है, वो उस एक पावर से ये द्वैत प्रकृति जो दिखाई देती है, अनुभव में आती है, वो कार्य करती हुई नजर आती है। फिर हम देखेंगे कार्य अगर होता है तो ये कार्य होने का कारण क्या है, तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम हित के लिए, संसार के हित के लिए, यहाँ वो हित की बात करते हैं, तो वो हित ये कहना चाह रहे हैं, क्योंकि हित और अनहित ये ज्ञान की गहराई के दोनों विषय नहीं है कि क्या हित है क्या अनहित है, इनसे ये जब ज्ञान की जो गहराई सीमा है, इनका कोई महत्व नहीं है, इसलिए हित की बात करते हैं। तब हम यहाँ पे आ जाते हैं, ऊपरी सतह पे आ जाते हैं कि हम सूर्य रूप हैं और हम बारिश के रूप में है, ग्रहण करते हैं, फिर हम बारिश करते हैं, तो ये जो हित करते हैं, ये हित जब अनुभव में आता है, जब कोई भी दो चीज तुलनात्मक हो और उसके तुलनात्मक सृष्टि में उससे हित अनहित दिखाई दे रहा हो, उसमें दोनों में कि कौन ऊंचा है कौन नीचा है, तो ये किसका बुरा हो रहा है किसका अच्छा हो रहा है, मेरा अच्छा हो रहा है, तो ये हित हुआ। तो जो हित है वो अंडे में भी हित है, क्योंकि वो मूल में हित है, और मूल जो जीव आत्मा है उसमें भी जीव अंडे के अंदर जो मूल केंद्रित हुई है, जिसे जीव आत्मा कह रहे हैं, वो हित है उसका। वो हित इसलिए है कि अगर वो स्मृति में ना होता और वहां पर वो अंश रूप
में जीव मूल रूप में अंडे में नहीं होता तो वो हित नहीं हो सकता था, क्योंकि हित हित इसलिए आया हित शब्द उसके अंदर, क्योंकि हित जो है वो हर अंडे में, हर यूनिट में और हर परमात्मा और जीवात्मा दोनों में द्वैत में हो रहा है हित, क्योंकि एक परमात्मा है और दूसरा अंडे में प्राकृतिक में जो साकार निराकार आपने बताया वहाँ जीवात्मा है, तो वहाँ पर अनेक होने की वजह से, द्वैत होने की वजह से वहाँ हित दिखाई देता है। तो ये हित लेख शब्द को लेकर के और अपना हित देखने की वजह से जो केंद्रित हुई है जीवात्मा, वो अपना हित देख रही है तुलनात्मक, उसके वनस्पत देख रही है। तो ऐसे ही यूनिट जो है, एक यूनिट है, चाहे वो हमारे दिमाग की यूनिट हो, चाहे वो मेरे दिल की यूनिट हो, आप शरीर से समझ लीजिए, चाहे वो हमारे फेफड़े की यूनिट हो, चाहे वो हमारे नाभि की यूनिट हो, चाहे हमारे हड्डियों की यूनिट हो, चाहे हमारे कोई भी सूक्ष्म यूनिट हो, चाहे स्थूल यूनिट हो, कोई भी यूनिटें हो, जितनी यूनिटें हैं उसे मिलकर के जो शरीर बनाए, अगर उसमें हर यूनिट यूनिट को अंग को बोल रहे हैं, तो अंगों को देखें तो अंग अपना हित जानते हैं। हित जानने के लिए एक चीज का उनमें ज्ञान होता है, अपने आप आता है कि जो हित जानता है, अनुभव में है, तो वो अपने हित की सुरक्षा भी करना जानता है। और जो हित का ज्ञान रखता है, ये मैं हित के लिए आपके बारिश कर रहा हूँ, संसार के जगत के हित के लिए बारिश कर रहा हूँ, तो वो हित जो जिसमें आ रहा है, ये हित वाला, अगर इसका कोई अनहित बाहर से इस पर कोई आक्रमण करे या प्रभाव डाले, तो ये उसके विरोध में अपनी पूरी ताकत झोंक देता है और उसको अनहित वाले को ये उसमें युद्ध युद्ध क्षेत्र जिसे बोलते हैं उसमें टकराव पैदा करता है कि नहीं, मुझे आपका अनहित नहीं चाहिए, मुझे हित वाला चाहिए, मुझे मेरे मतलब वाला चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। तो जैसे मुझे, मैं, मेरा दिमाग है, मैं अच्छी बात सुनना चाहता हूँ, अपनी तारीफ सुनना चाहता हूँ, मगर मैं किसी के मुंह से कोई मेरी बुराई करे और मैं वहां बैठ के तालियां बजाऊं, ऐसा नहीं मैं करता हूँ। मैं, मेरे माइंड की यूनिट ये कहती है कि नहीं, मेरे हित की बात करो। ऐसे ही हमारे अगर जवान की बात करें, तो जवान अच्छा कान अच्छा सुनना चाहता है, जवान हम बोलना चाहते हैं मगर अच्छा सुनना चाहते हैं, खराब नहीं सुनना चाहते। यूनिटें जो है सूक्ष्म यूनिटें, अगर साकार में यूनिट देखें तो हमारे हृदय हैं, हृदय ऑक्सीजन लेना चाहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में मुझे नहीं चाहिए, वो मुझको नहीं चाहिए। अगर वो अभी आपको देगा तो मैं धुतकार करके उसको अपने प्रभाव से को भगा दूंगा, मैं उसे नहीं चाहिए। तो हित की जहां बात करते हैं कि मैंने हित के लिए, संसार के हित के लिए बारिश करता हूं और मैं ही बारिश करता हूं, जब वो मैं ही बारिश करता हूं जब बात कहते हैं, तो वो चले जाते हैं उस परमात्मा जहां पे एक एक शक्ति है, जो यहां द्वैत था और वो एक है, और वो परमात्मा बाहर की शक्ति है, और बाहर के अलावा वो अगर जो परमात्म शक्ति है, जो उसकी चेतन है, वो उसका माध्यम कहलाता है, जो हमारा मूल स्वरूप है, उसी के माध्यम सीधे, मैंने बात कही थी जीव में अपनी इतनी चेतना थी कि वो करवट पर छोटी सी हरकत तो कर सकता है, मगर बहुत बड़ी, इतनी बड़ी जीव में शक्ति नहीं है कि वो परमात्मा को नजर कर दे, उस एक शक्ति को जो उसे चला रही है उसे अलग हटा दे और सीधे स्वरूप में चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आपको उसका माध्यम लेना ही पड़ेगा, अर्थात परमात्मा को मीडिएटर बनाना ही पड़ेगा, और परमात्मा जैसे ही मिलेगा तो वो बात कर रहे हैं उस मीडिएटर की, उस स्वरूप की, कि मैं वो हूँ, मैं वो हूँ और मैं ही करता हूँ। तो वो जब बात करते हैं हित है, हित की और अनुभव की, और मैंने बारिश की और सत असत की, ये जो जो कुछ भी भगवान श्री कृष्ण कहना चाह रहे हैं, वो कहना चाह रहे हैं उस एक परमात्मा की जगह पर आकर के बात करना चाह रहे हैं।
जीव के जगह पे बात नहीं करो, जीव को तो ये कह रहे संसार को कह रहे कि मैं तुम्हारे हित के लिए मैं ही बरसता हूँ और मैं ही ग्रहण करता हूँ, मैं ही त्याग करता हूँ, मैं सत हूँ मैं असत हूँ और मैं जन्म हूँ मैं ही मृत हूँ, कुछ भी कहो तो वो जो चीजें हैं वो दोनों चीजें जो जो कह रहे हैं वो अनुभव वाली चीज जो अनुभव जीव को हो रहा है, जीव द्वैत है। अगर एक एक अंडे में एक ही जीव होता और वो ये बात अगर उसको ये कहते अनुभव ही नहीं होता, और जब अनुभव नहीं होता तुलनात्मक नहीं होता तो अनुभव नहीं होता, और अनुभव नहीं होता तो ये जो श्लोक है ये हो ही नहीं सकता था, ये श्लोक ही जन्म नहीं लेता। तो ये श्लोक का जन्म ही हुआ जब जब अंडे के अंदर आत्माएं जीव आत्माएं हुई, तो इसमें योगिक साइंस की माध्यम ये। तो आपको आप ये कह रहे हैं कि जो अंदर प्रकृति में जीवात्माएं हैं उसमें जिस जो उनका अनुभव है ना, अनुभव जो है उनका ना, चाहे बाकी और जीवात्माएं हो या प्रकृति का अनुभव हो या परमात्मा का अनुभव, जो उनका अनुभव है अपना, उस अनुभव के आधार पर वो सारी क्रियाएं करता है, ठीक है ना। तो उस अनुभव का भी रहना बहुत जरूरी है, बिना अनुभव के कार्य नहीं कर पाएगा जी। और अनुभव हित भी तभी अनुभव होगा तब हित आएगा, तब हित आएगा बिल्कुल, बिना अनुभव के हित नहीं आएगा। और अनुभव तो प्रकृति के अंदर जो जीवात्मा है ठीक है उसी को अनुभव हो सकता है ना। और जो शक्ति है, और शक्ति है मगर एक की शक्ति है, वो तो एक की है ठीक है, मगर अनुभव जीवात्मा को होगा। प्रकृति के अंदर जो जीवात्मा है जो केंद्रित हुई है, जो बाहर का जो एक है वो जो केंद्रित हुआ है अंदर बहुत जीवात्माओं के रूप में ठीक है, तो वो जो केंद्रित शक्ति है उसको अनुभव होगा, और उस अनुभव के आधार पर जी उसी अनुभव के आधार पर सारी क्रियाकलाप चलेंगे जी। तो देख के ही पहन जाना है जी जी। तो अब ये योगिक साइंस के माध्यम से ये सूत्र काफी क्लियर हो गया है और हम इस सूत्र को समझ सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से, यदि हम योगी साइंस के जो भी हम सिद्धांतों की बात करते हैं उस सिद्धांत से यदि हम देखें जी। तो ये सूत्र बहुत क्लियर है, हमें ये बिल्कुल समझ में आएगा कि भगवान कृष्ण असल में कह क्या रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाले एपिसोड्स में भी ऐसे ही हम श्लोक लेंगे और उसको योगिक साइंस के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। वो इसलिए क्योंकि योगिक साइंस योग एक विज्ञान है, और यदि हम विज्ञान की दृष्टि से श्लोकों को समझें तो वो श्लोक जनमानस को जल्दी समझ में आते हैं, और बिना अनुभव के बिना किसी योग विज्ञान के यदि समझने की कोशिश करें तो वो श्लोक फिर उसका जो यथार्थ रूप है वो कहीं ना कहीं हम मिस कर देते हैं और उस श्लोक को समझ नहीं पाते। तो इसलिए जितने भी श्लोक हैं उसको हम योगिक विज्ञान योग विज्ञान के माध्यम से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो धन्यवाद शर्मा जी आपका कि यहाँ तक हमने उस श्लोक को हमने लिए, और आगे आने वाले एपिसोड में और भी श्लोक को लेंगे। नमस्कार।